रहे हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी शुरू करने लिए सब तो पहला आप डेफिनेशन करांगे। सेम जिवें ग्रुप थ्योरी आप कीती सी, जिदे विच ग्रुप की हुंदा उहदी डेफिनेशन सी, चार प्रॉपर्टी सी, वो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हुंदी है तो ग्रुप बन जाता। सेम उसी तरह ही रिंग थ्योरी भी है, ये अठ प्रॉपर्टीज़ आ। जे अठ प्रॉपर्टीज़ एग्जियम सैटिस्फाई हुंदे आ तो दैन अपने को बन जाता रिंग बन जाता। हाँ जी, डेफिनेशन है, आर नॉन एम्प्टी सैट आर टूगैदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। ग्रुप के अपने को हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन हुंदा सी, जां तां एडिशन का जां मल्टीप्लीकेशन का। बट रिंग दे विच अपने को हमेशा टू बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, डिनोटेड बाय एडिटिवली एंड मल्टीप्लीकेटिवली। इट इज कॉल्ड ए रिंग इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर द फॉलोइंग एग्जियम्स आर सैटिस्फाइड। एग्जियम की आ, फर्स्ट इज क्लोज अंडर एडिशन। ये आप ग्रुप अंडर एडिशन के भी किया, सेम फॉर ए प्लस बी बिलोंगस टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंगस टू आर। नैक्सट है एडिशन इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर, बिकॉज अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी की होती है जीरो, सच दैट जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू आर, सच दैट माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। हरेक ए दे एलीमेंट लिए कोई ना कोई यहोजा एलीमेंट जरूर एग्जिस्ट करता कि उन्होंने ऐड करिए तो अपने को आंसर की आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। नेक्सट इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये पांच दी पांच प्रॉपर्टीज आप ग्रुप दे विच करके आए हैं ग्रुप अंडर एडिशन। यदा मतलब रिंग बनाने लिए सब तो पहला ग्रुप अंडर एडिशन, अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना जरूरी है। उस तो बाद इन्हां कुछ एडिशन प्रॉपर्टीज़ आ, तीन प्रॉपर्टीज़ होर ऐड आती है, वो की है। सब तो पहला है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होनी चाहिए। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ए डॉट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी एंड दिस वन प्रॉपर्टी। ये अठ प्रॉपर्टीज़ आ जी, अठ प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई होंगी तो दैन अपने को आर की बन जाता रिंग बन जाता। दैट मीनस रिंग लिए अपन की चाहिए, फाइव प्रॉपर्टीज़ चाहिए अबीलियन ग्रुप दियाँ, पहलिया पाँच प्रॉपर्टीज़, दो चाहिए सैमी ग्रुप दियाँ अंडर मल्टीप्लीकेशन, एंड एक चाहिए है डिस्ट्रीब्यूटिव ला दी। जे ए प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गया अपने को की बन गया रिंग। हाँ जी, नेक्स्ट ये लिखा है ए रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज डिनोटेड बाय एलजेब्रिक सिस्टम। दिस ए एलजेब्रिक सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड ए रिंग फ्रॉम अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव रिंग। रिंग दियाँ अठ प्रॉपर्टीज तो बाद कम्यूटेटिव रिंग की होता ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यदा मतलब ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं प्रूव होनी, क्योंकि एडिशन वाली तो ऑलरेडी रिंग दे विच है। कम्यूटेटिवली हमेशा की होगा मल्टीप्लीकेशन वाली। नेक्सट इज रिंग विद यूनिटी, ए रिंग दिस इज सेट टू बी रिंग विद यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए। एक आधी प्रॉपर्टी होंगी है आइडेंटिटी दी अंदर मल्टीप्लीकेशन आप ग्रुप दे विच कीता सी, बट हुण इत्थे की आ ए प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होएगी, आप कहांगे रिंग विद यूनिटी है। द यूनिटी ऑफ ए रिंग इज ऑलसो कॉल्ड आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ द रिंग। एक ध्यान रखियो इहदे विच गल कि रिंग विद यूनिटी जे लिखिया होवे दैट मीनस इहदे विच यूनिटी जां आइडेंटिटी जीरो नहीं होएगी, बिकॉज जीरो तां ऑलरेडी एडिशन दी आइडेंटिटी है जो कि रिंग प्रूफ करने लई जरूरी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ ਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ 10 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, 8 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਰਿੰਗ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਆ। ਫਸਟ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ ਦੈਸ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟਸ, so they form commutative ring with the unity under ordinary addition and multiplication. Similarly nz multiples of n, okay, z is a set of integers, form an infinite commutative ring without unity. unity ede vich nahi hundi, but unity ki hundi hai one hundi hai, unity ede vich nahi aani,
ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਮ ਐਨ ਆਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਐਨ ਕ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਨੋਨ ਕਮੂਟੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਊਰਮ, ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਲੈਟ ਆਰ ਵੀ ਏ ਰਿੰਗ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਯੂਨੀਕ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਈਵਨ, ਦੈਨ ਈਵਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਕ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਟ ਆਰ ਵੀ ਏ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਈਵਨ, ਈਵਨ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਈਵਨ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਈਵਨ ਇਜ ਆਲਸੋ ਏ ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਆਫ ਆਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਐਕਸ ਈਵਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ। ਲੈਟ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਫੋਰ ਆਲ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸ ਈਵਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਈਵਨ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਆ ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈ ਲਿਖੇ ਤਾਂ, ਕਲੀਅਰ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਈਵਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਲੈਫਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਨੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਈਵਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਈਵਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟੀ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਦੀ, ਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਆਫ ਏ ਰਿੰਗ ਆਰ ਇਜ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਦੈਟ ਇਫ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਉਸ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੈਨ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੀ, ਰਿੰਗ ਆਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਫ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ, ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੇ, ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਏ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੈਨ ਟੂ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਲੈਟ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਆਰ ਕੀ ਆ ਰਿੰਗ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਸ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵੀ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਨਾਓ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ, ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਰਿੰਗ ਕੀ ਆ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਵਾਲਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਐਕਸ ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਰਿੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਅਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਲੀਅਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਲੀਅਨ ਆ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇੱਧਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਆਲਸੋ ਜੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਦੇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ,
रिंग, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई भी रिंग का एलिमेंट होएगा। जे एक्स इंटू वाई रिंग का एलीमेंट है, उपर आप प्रूव करके आए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, टू एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीनस टू एक्स वाई भी जीरो होएगा। टू एक्स वाई में आप इदा भी लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो की उपर वैल्यू पुट कर दी, तो दैन लैफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दिया तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया। ये अपनी की है थ्योरम कंप्लीट हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिट की। यूनिट कह लो इनवर्टिबल कह लो, आप रिंग नू कमोटिटी भी कर विद यूनिटी भी कर, हूँ यदि यूनिट की डेफिनेशन कर रहे हैं। लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी वन, तुम दस रिंग की आइडेंटिटी की होंगी है वन, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो यदि आइडेंटिटी नहीं होंगी। दैन एन एलीमेंट यू बिलोंगस टू आर इज कॉल्ड ए यूनिट, इनू आप यूनिट कदों कहे जा इनवर्टिबल कदों कहे, जो यदा इनवर्स एग्जिस्ट करे। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब इफ देयर एग्जिस्ट वी बिलोंगस टू आर सच दैट यू वी इज इक्वल टू वी यू इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स यदा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स की हो जाएगा यू की होएगा यूनिट, जा वी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ यू एंड डिनोटेड बाय दिस। ये है यूनिट की डेफिनेशन। हूँ यूनिट की आप थ्योरम करनी है। सब तो पहले इंटीजर्स का सैट आ, यूनिटी की होएगी ओबियसली वन होएगी, वेयर एज यूनिट की होगी वन ते माइनस वन। हाँ जी, थ्योरम है लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी वन, रिंग विद यूनिटी दिता हुआ वन नॉट इक्वल टू जीरो, दैन द सैट ऑफ यूनिट्स ऑफ आर फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन इन आर। आप प्रूफ की करना सारे के सारे यूनिट्स का सैट लैके वो की बनाएगा ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन इन आर। लेट कैपिटल यू आप मान लिया सैट ऑफ यूनिट्स, सैट ऑफ यूनिट्स का मतलब जिद सारे के सारे यूनिट्स आएंगे। यूनिट्स का मतलब की आ, यू बिलोंगस टू आर सच दैट यू वी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वी यू, ए मतलब यू का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, जहाँ यू इज ए यूनिट फॉर सम वी बिलोंगस टू आर, दैट मीन्स लेट यू बी द सैट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आर, आर दे सारे सारे यूनिट्स आ गए। वी हैव टू शो दैट यू अंडर दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज ए सब ग्रुप ऑफ ए सैमी ग्रुप दिस आर डॉट, क्योंकि सैमी ग्रुप तो होंगे ही होंगे, रिंग जिहड़ा अंडर मल्टीप्लीकेशन सैमी ग्रुप तो होंगे ही होंगे। जे आप इनू सब ग्रुप भी हो प्रूफ कर दिए तो दैन एक ही आ जाएगा प्रूफ हो जाएगा अपने को ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। वी हैव टू शो दैट यू अंडर दिस मल्टीप्लीकेशन इज ए सब ग्रुप ऑफ द सैमी ग्रुप। क्लीयरली यू की आ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी क्यों आ, क्योंकि घट्टो घट एक एलीमेंट यू दे विच होना चाहिए, वो केड़ा वन, वन यू नू बिलोंग करता, बिकॉज वन इज एन एलीमेंट ऑफ रिंग। वन जे रिंग द एलीमेंट आ, वनली केड़ा एलीमेंट बी एग्जिस्ट करेगा, ओबियसली वन सच दैट वन इंटू वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। यदा मतलब वन हमेशा यूनिट होएगा ही होएगा, जे वन हमेशा यूनिट होएगा यू की होएगा नॉन एम्प्टी। दो एलीमेंट्स ले ले यू एंड वी बिलोंग्स टू यू, मान लो दो यूनिट्स नहीं है, जे दोनों यूनिट्स आ दैन ऑब्वियसली दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैन देयर एग्जिस्ट यू इनवर्स वी इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच दैट यू इंटू यू इनवर्स इज इक्वल टू वन, ए रिजल्ट आ गया इन, एंड वी इंटू वी इनवर्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वी इनवर्स वी, ए रिजल्ट आ गया। हाँ जी, यू इंटू यू इनवर्स में आप इदा भी लिख सकते हैं यू इंटू वी v इनवर्स, ये तो v इंटू वी इनवर्स वन नहीं बन जाना, इतने u इनवर्स आना, v इनवर्स नहीं u इनवर्स आना, इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू यू इनवर्स u, इतने u आना, इतने इतने भी u आना, इन्हें दोनों जगह पे u करेक्ट कर लियो, ये रिजल्ट आ गया। वेयर आपने लिखता v v इनवर्स इज इक्वल टू वन, ए सी अपने को रिजल्ट। हाँ जी, नाउ u into v, ये स्टेप तुसी स्किप करना स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली इतने आ जाओ ना वो उत्ते, यदि जरूरत नहीं इतने आप वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, ले लो यू इंटू वी इनवर्स यू इनवर्स ले लिया, इनू सॉल्व किया, यू इधर आ गया, वी इंटू वी इनवर्स यू इनवर्स आ गया, वी इंटू वी इनवर्स की हो गया वन, अपन पता उपर गिवन है, ये यू इंटू यू इनवर्स की हो गया वन। सिमिलरली इनू अगे लिया वी इनवर्स यू वी इज इक्वल टू वन आ गया, ये वन ना, इनू आप इस तरह भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं।
हाँ जी, दोनों साइड्स इक्वल टू वन आ गया, इहदा मतलब यू वी की हो गया यूनिट हो गया, क्योंकि यू वी नू किसी एलिमेंट ना आपा किन्ना कितना मल्टीप्लाई वी इनवर्स यू इनवर्स ना, तो रिजल्ट अपने को की आ गया वन, चाहे लेफ्ट हैंड साइड तो करो चाहे राइट हैंड साइड तो करो। इहदा मतलब यू वी की हो गया यूनिट हो गया, तो यहाँ इनवर्स की हो गया यू वी का इनवर्स की बराबर आ गया आ सारी टर्म के वी इनवर्स यू इनवर्स। सो जी जिस जेड़ा यूनिट आ वो किनू बिलोंग करेगा, इस सैट न यू न बिलोंग करेगा, बिकॉज यू इज़ ए सैट ऑफ ऑल यूनिट्स, सो यू वी बिलोंग्स टू यू, दैट मीन्स ए की आ गई अपने को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई मल्टीप्लीकेशन कर गई, यू वी इज बिलोंग्स टू यू आ गया। हाँ जी, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। नाउ लो ऑल्सो वन यू नू बिलोंग कर दिया, फॉर ईच यू बिलोंग्स टू यू, देयर एग्जिस्ट यू इनवर्स बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जे यू यू का एलिमेंट है ऑब्वियसली वो यूनिट होएगा, यूनिट का मतलब होता कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट यू इंटू यू इनवर्स इज इक्वल टू वन, ए आ जाएगा रिजल्ट। एरा मतलब कि आ गया कि अपने को फॉर दिस इम्प्लाइज यू इनवर्स बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, जेडे भी यू दे एलीमेंट्स आ उन्होंने लिए कोई ना कोई इनवर्स अपने को एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ट्रू होगी, वन यूनिटी होंगी है और रिजल्ट आ गया, यदा मतलब यू की बन गया सब ग्रुप बन गया ऑफ द सेमी ग्रुप, दैट मीन्स यू फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। यही आप प्रूव करना सी, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। हाँ जी, ये थ्योरम यूनिट्स वाली कंप्लीट होगी। थैंक यू।